पापा बचा लो मुझे, ये अंकल मुझे मार डालेंगे, बचा लो। अरे अरे क्या हुआ, ऐसा पागल बेटा है तेरा, समझा नहीं सकता। क्या किया इसने? अरे क्या बताऊं? आज बहुत मुश्किल से हमारे घर में किराएदार आए थे, आज ही शिफ्ट हुए। उनसे जाकर बोल रहा है इस घर में मत रहो, इस घर में भूत रहता है, चुड़ैल रहती है। वो भूत और चुड़ैल के डर से भाग गए। बहुत मुश्किल से किराएदार मिले थे, उनको भी भगा दिया इसने। कैसा पागल है तेरा बेटा, पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखा है। भाई साहब क्या बताऊं, इस बिट्टू ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अगर तेरा बेटा आज के बाद मेरे घर के आसपास दिखा, मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। पागल बेटा है तेरा, पागल बेटा। पापा आपके प्यारे बेटे से अंकल पागल पागल बोल रहे हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? चुप। एक तो गलत काम करके आया है, ऊपर से अपने को बहुत बहादुर समझ रहा है। काम पागलों जैसे करेगा तो तुझे पागल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मतलब मैं पागल हूँ? हाँ तू पागल है, है तू पागल। तेरी वजह से हम भी पागल हो गए हैं, परेशान कर दिया तूने मुझे। एक बार बोल दो, मैंने झूठ बोला, तू पागल नहीं है, एक बार बोल दो। जो बोला सच बोला। काम पागलों जैसे करेगा तो पागल ही होगा, पागल है तू, पागल है, पागल है, पागल है। इनका पूरा परिवार ही पागल है। थक गई हूँ, कितना काम हो जाते हैं सुबह से उठकर, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी खाना बनाओ, कभी बच्चों को देखो, कभी बच्चों की पॉटी साफ करो, कितने काम हो जाते हैं, बहुत थक जाती हूँ मैं। मम्मी पापा आपको पागल बोल रहे हैं, पागल है? क्या पापा एक बार बोल दो, आपने झूठ बोला। क्या झूठ बोला, जो बोला सच बोला, पागल है, पागल है, पागल है। पागल बोल रहे हो मुझे, इतनी जोर से मारा। एक तो सुबह से घर का इतना काम करती हूँ, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बर्तन, कभी बच्चे, ऊपर से मुझे पागल बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं? मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, बता दे रही हूँ, पागल बोलते हो मुझे। अरे चुप चुप, मेरी पूरी बात तो सुन। मैंने तुझे नहीं इस बिट्टू को पागल बोला, अभी तक इसकी वजह से गालियाँ खाता था, अब मार खा रहा हूँ। हट चल निकल। भूख लगी है, कुछ दे दे बाबा। तू अंदर कैसे आया, कहाँ कहाँ से आ जाता है भिखारी, कुछ नहीं है, जा यहाँ से, हट यहाँ से, भीख मांगने आ गया, हट। 2 रुपया दे दे बाबा, कुछ खा लूंगा, इस गरीब की दुआ लगेगी। नहीं चाहिए तेरी दुआ, हट यहाँ से। माता कुछ तू दे दे, दे दे बाबा कुछ तो दे दे। काम कुछ है नहीं, भीख मांगने आ गया, कुछ काम कर ले, मेहनत करके कमा के खा, अभी इतनी छोटी उम्र है भीख मांगना शुरू कर दी, बेटा मेहनत करना सीख। ओ साहब भीख मांगने में भी बहुत मेहनत लगती है, हमें ऐसा वैसा मत समझना, हम बहुत मेहनत करते हैं। क्या मेहनत लगती है? भीख दे दो, भीख दे दो बोला, भीख मिल जाती है। मेहनत लगती है। अरे ओ सेठ के बेटे, अगर तुझे लगता है भीख मांगने में मेहनत नहीं लगती है तो खुद भीख मांग कर दिखा, दिखा दिखा दिखा। हाँ हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, अभी मांग कर दिखाता हूँ। भीख दे दे, भीख दे दे बाबा, कुछ तो दे दे, 1 महीने से भूखा हूँ, कुछ तो दे दे, ऊपर वाला भला करेगा, 1 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, जो मर्जी वो दे दे बाबा, तेरा मन जितना करता है उतना दे बाबा। ये भिखारी तेरे को दुआ देगा, जल्दी दे, जल्दी दे, कुछ तो दे दे बाबा, भूख लगी है। चुप, मुंह बंद कर, वरना मैं तुझे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। पागल बेटा, कैसा पागल है ये, हा? माई तू तो दे दे कुछ, कुछ तो दे दे, तेरा पति तो कंजूस है, ये तो कुछ नहीं देगा, तू तो दे दे बाबा, तू तो अच्छी लग रही है, दे दे कुछ तो दे दे, तेरे बच्चे होंगे, तेरे 100 बच्चे होंगे, 1000 बच्चे होंगे, 100 बच्चे होंगे, 5 बच्चों से वैसे ही परेशान हूँ, 100 बच्चे होंगे, भीख दे दूँ तुझे, थप्पड़ दूंगी थप्पड़। मिल गई भीख, पता चल गया भीख मांगना कितनी मेहनत का काम है। हाँ यार सच कह रहा है, भीख मांगना बहुत मेहनत का काम है, इतना बोलने के बाद भी भीख नहीं मिली। वाकई में सच कह रहा था तू, देखा हम कितने मेहनत करते हैं। क्यों फालतू बातें कर रहा है, हमारे घर से बाहर निकल, निकल। अब आ गया हूँ तो कुछ दे दे बाबा। क्या कुछ तो दे दे, मेरे पास पैसे नहीं है,
जा बाहर जा, किसी और घर में मांगना। चल चल। अरे बाबूजी क्या बात कर दी। कुछ तो पैसे दे दो, कुछ तो पैसे होंगे, कुछ तो दे दो, इस गरीब की दुआ लगेगी। बोला ना पैसे नहीं है। मेरी तनख्वाह नहीं मिली है अभी, जहाँ काम में जाता हूँ वहाँ से पैसे नहीं मिले हैं, कहाँ से दूँ। जा जा जा, किसी और घर में मांगना। चल 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 चल। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, पापा को अभी काम के पैसे नहीं मिले हैं। तू एक काम कर, तू अपना फोन नंबर दे दे। ला फोन नंबर दे दे दे, दे। फोन नंबर क्यों मांग रहा है इस भिखारी से? जब आपको तनख्वाह मिल जाएगी मैं इसको फोन कर दूंगा, ये घर में पैसे लेने आ जाएगा, है ना? हाँ इसके बाप का कर्जा देना है मैंने, जो इसको फोन करके बुला लेगा। क्या नालायक बेटा है, कैसी औलाद पैदा कर दी। भगा इसको बाहर, भगा हट। भाई क्या हो गया? क्या कर रहा है? चल 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 चल। कोई नहीं होता गरीब का, कोई नहीं होता, कोई किसी की मदद नहीं करता है। गरीब के पेट में भूख लगी हो लेकिन कोई एक रोटी नहीं देता है आज के जमाने में। सब लोग मतलबी हो चुके हैं, किसके पास जाऊं, किससे मांगूं? अरे तू रो मत, क्यों रो रहा है? तू आज से मेरा दोस्त। मत रो मत रो, मैं हूँ अच्छा, मैं बहुत अच्छा हूँ, रो मत वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। आज के बाद तेरा दुख मेरा दुख, तेरी परेशानी मेरी परेशानी। आज के बाद मैं तेरे साथ भीख मांगूंगा, मैं बताऊंगा कैसे भीख मांगते हैं। चल 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 चल। पागल हो गया है क्या है? पढ़ना लिखना मत, भीख मांग बाहर जाकर। दिमाग खराब हो गया है इस बिट्टू का। इनके मत सुन, इनका रोज का है ये मत कर वो मत कर, ऐसा मत कर वैसा मत कर। अरे मैं नहीं कर करके थक गया हूँ। क्या नालायक बेटा है, कैसी औलाद पैदा कर दी। मैं करूँगा दोस्त तेरी मदद। चल 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 चल। कहाँ चलें? सबसे पहले पड़ोस के घर में चलते हैं। हाँ हाँ चल चल चल। बिट्टू पागल हो गया है क्या? तू जा हट। चल चल चल। अरे 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 कहाँ जा रहा है? अरे बिट्टू की माँ कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहले सब कहते थे तेरा पागल बेटा, अब कहेंगे तेरा भिखारी बेटा। आज यहाँ भीख मांग रहा था, आज वहाँ भीख मांग रहा था। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे, वो देखो भिखारी बिट्टू के पापा जा रहे हैं। कोई कहेगा भिखारी बिट्टू के पापा हमारे घर में आना। कोई कहेगा ये कौन है, अरे ये तो भिखारी बिट्टू के पापा है। कोई कहेगा अरे वो देखो भिखारी बिट्टू का पापा जा रहा है। कोई कहेगा अरे अरे भिखारी बिट्टू का पापा आ गया। कोई कहेगा चुप हट।